तो गाइस एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल चुपाती पर। मेरा रोज को हो चुका है और आपको याद होगा गाइस कि लास्ट वाली वीडियो में हमने बाय किए थे माइनक्राफ्ट की कुछ खतरनाक वाली नर्फ गन्स, वो आ चुकी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अभी पानी सर से ऊपर निकल चुका है। अभी बहुत मैंने ये हाथ जोड़ के विनती कर ली कि सब्सक्राइब करो, आप लोग मानते नहीं हो। तो अगर आपको बिच्छू गैंग ज्वाइन करना है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दे के रखा है, दबा उसको। नहीं ओके, महंगे वाला लंच है तो मैं उसको गोली नहीं मारूंगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ से गोली मारूंगा तो पहुंच जाएगी वहां पर। तो अगर आपको अपनी जान बचानी है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। और गाइस ये रही मेरी सबसे पहली वाली नर्फ गन, जो कि ऑब्वियसली कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। तो अगर मैं अपने हाथ की पर गोली मार के देखूं तो फील हो रहा है कि हाथ के ऊपर कुछ ना कुछ लगा। लेकिन चलो कोई बात नहीं गाइस, क्योंकि अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपनी माइनक्राफ्ट की सबसे पहले वाली नर्फ गन। सबसे पहली आ चुकी है हमारी बड़ी वाली आइटम और वो है थोर का हैमर। इससे पंगे मत लेना। एक्चुअली ये बेनिफिशियल है क्योंकि इससे हम दीवार के ऊपर कीड़े भी ठोक सकते हैं, लॉगी का सर भी फोड़ सकती हैं, और इसके अंदर बिल्ट इन नर्फ गन भी है। मतलब कि अगर लॉगी ने भागने की कोशिश की तो हम उसको गोली मार सकते हैं। लेट्स गो। ये रहा गाइस उसका डब्बा। भाई इसकी भारी भरकम चीज मैंने मंगा कर रखी है यहाँ पर, देख रहे हो पूरा एकदम बड़ा हैमर यहाँ पर और एकदम ग्रिप। पकड़ते ही बिजलियां कड़कनी चाहिए ऊपर से, लेकिन कुछ कड़का ही नहीं। ऑफ कोर्स गाइस खतरनाक चीज को खोलने के लिए मेरे को खतरनाक आइटम चाहिए और ये है खतरनाक एन्चेंटेड कैंची। कुछ भी नहीं हुआ। अरे वाह खुल चुका है, लेट्स गो। तो गाइस ओ भाई एक्चुअली हैवी है ये देख रहे हो गाइस। ये रहा अपने माइनक्राफ्ट वर्जन में थोर का हैमर। तो यहाँ पर लिखा हुआ माइनक्राफ्ट लेकिन हथौड़ा देख रहा है। आई थिंक माइनक्राफ्ट के अंदर हथौड़ा होना चाहिए भाई। माइनक्राफ्ट के अंदर सब कुछ है, पिकैक्स है, एक्स है, तलवार है, शॉवल है, हथौड़ा नहीं है। व्हाट? तो ये माइनक्राफ्ट वालों अगर देख रहे हो तो माइनक्राफ्ट के अंदर हथौड़ा डालो। तो ये रहा उसका ट्रिगर। ऑब्वियसली यहाँ पर गोलियां डलती होंगी, तो अरे तीन गोलियां यहाँ पर डलती हैं और यहाँ पर भी दो छेद दे के रखी हैं। तो यहाँ पर हम जो एक्स्ट्रा गोलियां हैं वो आई बिलीव यहाँ पर स्टोर होती होंगी। और ये रही इसकी तीन गोलियां। ओके इसको भी खोलते हैं। तो अगर मैं एक डालूं पूरी अंदर घुसा के, अभी रिलोडिंग। ओ भैंस की छत के अंदर छेद हो गया ये तो। ओके मेरे को लगा था कि इतनी पावरफुल नहीं होगी लेकिन है यार। एक बार फिर से ट्राई करता। तो ये गोली अंदर गई यहाँ से और अगर मैं मार के देखूं तो यार मेरे को डर लग रहा है कहीं मेरी स्क्रीन ना छेद हो जाए। एंड अरे बहुत फास्ट निकल रही है यार ये एक्चुअली मेरे को बढ़िया लगा क्योंकि जब मैंने पहली बार इसकी जब अमेज़न के ऊपर वीडियो देखी थी ना तो मेरे को लगा था कि कोई हल्का फुल्का हैमर होगा, प्लास्टिक का बना होगा, उसके ऊपर एक बंदूक लगा कर रखी होगी और चलो हो गया। लेकिन नहीं, ये एक्चुअली हैवी ड्यूटी है ब्रो। अगर ये पड़ गया ना तो सही डैमेज करेगा ये। और इसके बाद गाइस आपको याद होगा कि हमने एंड्रो ड्रैगन बार करके रखा था और मेरे को लगा था कि एंड्रो ड्रैगन बहुत भारी वाली गन होगी, दो बंदे चाहिए होंगे उसको चकने के लिए। लेकिन ये देखो क्या आया, बस यही है। ये है हमारी एंड्रो ड्रैगन नर्फ एडिशन, देख रहे हो आप लिखा भी हुआ है एंड्रो ड्रैगन। इतना छोटा एंडर ड्रैगन मेरे हाथ से छोटा यार ये, व्हाट इज दिस। लेकिन चलो कोई बात नहीं, एक बार फिर से इसको एन्चेंटेड कैंची मार के खोलते हैं। ओ डब्बा खोलते हैं, मेरे को यहाँ से मिली है दो गोलियां। भैंस की आंख, दो गोलियां, इतना बड़ा ड्रैगन और दी कितनी, सिर्फ दो गोलियां। एंडर ड्रैगन को इन लोगों ने रस्सियों से बांध के रखा हुआ है कहीं भाग ना जाए। समझ नहीं आ रहा गाइस कि ये अपना एंडर ड्रैगन है कि माइनक्राफ्ट की मुर्गी है। भाई साइज देखो इसका और कारनामे देखो इसके, पंख इसके पूरे बैठ नहीं रहे और नाम इसको देख रखा है एंडर ड्रैगन। तो ओके आई थिंक यहाँ नीचे से इसको पुल करके इसको लोड करना पड़ता है। ओके प्रेशर लग रहा है मेरे को। अब आती है इम्तिहान की घड़ी। तो अगर मैं इसके अंदर गोली लोड करके देखूं तो कितनी फास्ट जाएगी। सामने मारूंगा इस बारी में। एक्चुअली फास्ट है। अबे लॉगी गोली लेके आ मेरी, पंगे मत ले मुझसे। ये उजी कहां से लेकर आ गए? ये उजी नहीं मामा, एंड्रो ड्रैगन है, गोली दे। अगर गाइस आपको एंड्रो ड्रैगन वाली माइनक्राफ्ट की नर्फ गन पसंद आई तो हिट सब्सक्राइब, नहीं तो गोली आने वाली है, गोली। गास्ट और एंडर ड्रैगन का साइज एकदम सेम है यार। एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो बड़ा कर देते बेचारे एंडर ड्रैगन को यार। और आती मेरे को दो सेम टू सेम गोलियां इन लोगों ने देके रखी है, बट इस बारी आती है व्हाइट कलर में। ऑब्वियसली घास का कलर व्हाइट है तो ये आ रही है व्हाइट वाले कलर में। चलो मान लेते हैं कि एंड्रो ड्रैगन कुछ ज्यादा ही भारी भरकम एंटिटी है, उसको रस्सियों से बांधते तो समझ में आ सकता है। लेकिन घास को क्यों बांध के रखा है रस्सियों से भाई, ये तो भाग के भी नहीं जा सकता। ओके गाइस तो ये रहा अपना घास, एकदम से माइनक्राफ्ट वाला घास लग रहा है ये उसकी लाते। वैसे अगर देखा जाए तो पूरी डेकोरेशन इन लोगों ने मस्त करके रखी हुई है। तो ये रहा उसकी आंखें हमेशा की तरह, गोली मारने से पहले इसका मुंह खुल चुका है, उसकी आंखें लाल हो चुकी हैं। और ये इसको एक बार फिर से यहां से लोड करना है। प्रेशर वाली चीज मेरे को लग रही है। तो मैंने इसको लोड कर लिया, अभी इसके अंदर जाएगी अपनी गोली। सब्सक्राइब करते हो कि नहीं करते? अभी घास आएगा फायरबॉल मारेगा, तो क्या मैं इसको कैच कर सकता हूँ? क्या जाएगी? फाइबर स्क्रीन के ऊपर लग गया। अरे नहीं, अभी गेस करो क्या आने वाला है, अभी आने वाला है पटक।
गार्डियन। अरे वाह, ये गार्डियन कम तोप ज्यादा लग रही है मेरे को। तो डब्बे के ऊपर, अरे जूम इन करना, तो डब्बे के ऊपर गाइस इन लोगों ने गार्डियन को चिपका के रखा हुआ है भाई, वो हिल भी नहीं पा रहा बेचारा गार्डियन। ओके, गार्डियन के ऊपर डेकोरेशन जो है एकदम मस्त वाली करके रखी है, और हमेशा की तरह गार्डियन की एक ही आंख है और इसी आंख से लेजर मारता है। अबे जूम इन कर नुबड़े, ये रहा। तो यार हमेशा की तरह गाइस गार्डियन की सिर्फ एक ही आंख है और वो एक ही आंख से जूम इन करेगा, एक ही आंख से एम करेगा और इसी एक ही आंख से गोली निकलेगी। और एक बार फिर से इसको नीचे से लोड करना और अभी डालते हैं इसके अंदर गोली, और अभी मेरे को टेस्ट करना यहां सामने सब कैमरा के ऊपर। एक काम करता हूं गाइस, अभी आपको धमकी देने का मस्त वाला आइडिया आ चुका है, अभी करते हो सब्सक्राइब। इसके अंदर तो गोली भी नहीं है, बट एनीवेज सब्सक्राइब करो नहीं तो मैं अपना लंच फोड़ दूंगा मैं यहां पर। आई थिंक ये वाली भी कुछ ज्यादा फास्ट है, कि बार मेरे को एम करके मारना है इसके ऊपर। और अभी आ रहा है गाइस अपना गास्ट, ये इसी की मैं वेट कर रहा था। इसकी पैकेजिंग कुछ ज्यादा ही बड़ी है, पीछे से भी लोगों ने छेद करके देख रखा है, तो मतलब कि अगर मैं इसका बटन दबाऊं तो इसकी आंखें फ्लिक कर रही है, देखो। अरे भाई डरावनी फीलिंग, इसकी टांगे भी हिल रही है यार, ये वाला मेरे को ज्यादा क्रीपी लग रहा है यार। ओ माय गॉड, लिटरली इसकी टांगे हिल रही है, अबे कितना क्रीपी लग रहा है ये भाई। रियल लाइफ में भी इतना क्रीपी है जितना माइनक्राफ्ट के अंदर है ये। और अगर मैं इसको यहाँ से बटन दबा के देखूं तो ओ माय गॉड, सब्सक्राइब करो नहीं तो इसकी आंखें खुल जाएंगी। सबसे अजीब चीज होती है घास की, और सबसे ड्रावनी चीज होती है घास की टांगे। इमेजिन उड़ता हुआ कोई पक्षी आपके पास आ रहा है और ये टांगे उसकी लमक रही है और वो हिल रही है। ओ माय गॉड, कितना क्रीपी होगा यार ये। और ये रही इसकी गीटियां, ये कैरम खेलने की गीटियां मेरे को देख कर रखी है और इनको लगता है गोलियां। बट एनीवेज ये हमें लोड करनी है ऊपर से, तो इसको मैं खोल लेता हूँ यहाँ से, और ये दो और ये तीन, और अभी हमें इसको अच्छा घुमाने की जगह ही नहीं है। फटाक से बंद भाई, मेरी स्क्रीन अगर स्क्रैच होगी ना तो मैंने तेरा बूथा तोड़ देना है। ये देखो मारना भी फिर से, ये गाइस ये देखो ये देखो टांगे भी एकदम से सीधी नहीं है, एक टांग यहाँ जा रही है, एक टांग यहाँ से निकली, एक टांग वहां से निकली है। बट एनीवेज गाइस ये देख रहे हो, तो ये है अपना घास। मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना अपना घास यहाँ पर रखा जाए, एक्चुअली बढ़िया लग रहा है मेरे को ये घास, और ये हमारे ऊपर आपके ऊपर एकदम से कड़ी नजर रखेगा। और अभी घास आती है अपनी फाइनल आइटम, मुझे पता है आप किस चीज का वेट कर रहे हो, आप वेट कर रहे हो वो गांव वाले क्रॉसबो का, वो आ चुका है। लिटरली बिलीव नहीं करोगे, मैं जैसे वीडियो बना रहा था ना अभी आया, मैं इसके बारे में भूल ही गया था। एकदम बड़े वाला पार्सल, इसके अंदर आइटम ही बड़ी वाली होनी चाहिए। फ्रेजर के पास इतना बड़ा क्रॉसबो होता है मेरे को पता भी नहीं था, ये देख रहे हो इसका साइज, भैंस की कैमरे में फिट भी नहीं आ रहा ये। ओके तो ये रहा गाइस मेरा क्रॉसबो, एकदम यहाँ पर लिखा भी हुआ है माइनक्राफ्ट पिलेजर्स, तो उनकी आइटम है, पिलेजर से पंगे लेने, ठीक है। और अगर मैं पीछे से दिखाऊं भाई बहुत बड़ा लग रहा है, तो काम करते हैं फटाफट अपनी इंचार्टेड कैंची को यूज करके इसको ऐसे वासे पटे खोलते हैं। आई थिंक अभी और भी सामान अंदर पड़ा हुआ है, तो बाकी का सामान मेरे को यहाँ से निकालना होगा, गिर गया यार। और मेरे को एक्चुअली जोड़ना पड़ेगा इसको। तो गाइस ये रही मेरी बंदूक, अरे बाप रे एकदम डेंजरस लग रही है ऑलरेडी। मैं इसको बंदूक के तौर पर भी यूज कर सकता हूँ और इसके ऊपर मैं अटैचमेंट भी लगा सकता हूँ, भाई पबजी वाली फील मेरे को यहाँ पर आ रही है। तो आई थिंक यहाँ से कहाँ से लोड होता है यार, ये लोड कहाँ से करना है इसको। ओके आई थिंक मेरे को ये अटैचमेंट लगानी पड़ेगी तभी जाके ये काम करेगा। कुछ ना कुछ ऐसे क्लिक होगा, और ये देख रहे हो आप भी सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया ना तो पड़ेगी ये खतरनाक क्रॉसबो। तो आप बुलेट्स आई थिंक यहाँ पर कहीं स्टोर भी कर सकते हो, वैसे स्टोर करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर डाल सकते हो बुलेट्स। तो पहले बुलेट्स मैंने डाल दिया यहाँ पर भाई, अगर पिलेजर ने देख लिया ना उनकी आगे बुलेट्स लोड होती है तो मेरे को कच्चा खा जाएंगे वो। आई थिंक लोड हो चुका है, अगर मैं ऐसे करूं मेरे को पता भी नहीं कौन सी वाली निकलेगी। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूं, तो गाइस ये रहा अपना क्रॉसबो, आगे से यहां पर बने तीन बुलेट्स, ज़ूम करना। तो तीन बुलेट्स यहां पर डाल दिया मैंने, यहां पर ये जो है यहां पर माइनक्राफ्ट का लोगो भी लगा हुआ है, ये ऊपर से कुछ ऐसे दिखता है, और अभी फायरिंग करनी है मेरे को। भाई खतरनाक है यार ये एक्चुअली मेरे को पसंद आया। इसको लोड करने का मैकेनिज्म भी देख लो, ऐसे पट पट सिर्फ पीछे ही खींचना, आगे नहीं करना फिर से इसको। एंड अगर मैं एम करके मेरे को कैमरा ही तोड़ना फिर से यहाँ पर मारू तो एक्चुअली लगती है यार। और अभी गाइस कुछ दिनों के बाद हम करेंगे गाइस इन सारे गनों का एक नर्फ वॉर, वो भी लॉगी के साथ। तो अगर आपको वो वाली वीडियो जल्द से जल्द देखते तो हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड लेट्स गेट 100,000 लाइक्स। तो मैं मिलता हूं नेक्स्ट वाली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय।